हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के ऊपर के क्वेश्चंस। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस ही मैं नहीं लूँगा, तो कुछ आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा कि किस तरह प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के जो ऑप्शंस है वो किस तरह देखने हैं और वो कैसे रहते हैं। जैसे कि यूनिटी क्या रहता है, रिदम क्या रहता है, स्केल प्रोपोर्शन क्या है, तो ये थोड़े से मैं एक्सप्लेन भी साथ साथ करूँगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो दोस्तों शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना है, क्योंकि ये आप ही के लिए वीडियो है। आप जितना इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, जितने प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए दूंगा वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। मैं और भी वीडियो आपके लिए डालते रहूँगा। तो ये 45 डेज का वीडियो जो है, कोर्स जो है वीडियो का, ये कोर्स बिल्कुल भी आपके लिए फ्री है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर करना चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो ये वीडियो आपको आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो रखा है सामने, तो ये किस तरह है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सूट होते। तो दोस्तों फर्स्ट जो है, नंबर वन, ये रिदम है। तो रिदम क्या होता है, जब मैं रिदम आएगा तब आपको समझाऊंगा कि रिदम क्या होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम्स आएगा तभी मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। पैटर्न तो लगभग आप सबको पता ही है पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर है नंबर फोर जो है, यूनिटी। तो यूनिटी जो है ये यहाँ पर सूट होता है। ये तो यूनिटी क्या है, तो यहाँ पर ये चार का ग्रुप है, इस साइड में भी चार का ग्रुप है। तो जो ग्रुप में आपको दिखेगा, एक साथ में जो दिखेंगे उसको यूनिटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये यूनिटी आपको समझ में आया होगा, और इसका आंसर क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा कि ये जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें यूनिटी ये ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके सामने, ये एक सर्कल है, दो लाइंस इस तरह है, यहाँ पर एक जैसा बिजली का सिंबल रहता है उस टाइप में आपको दिख रहा है, और यहाँ पर तीन सर्कल ये बड़े से छोटे की तरफ होते जा रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें वेराइटी है क्या, तो वैरायटी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है मूवमेंट है क्या, तो यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने मिलती है, जैसा कि ये एक सर्कल, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, जो तीन सर्कल है ये छोटे से बड़े मतलब उस साइड में जा रहे हैं, इस तरह हमें ये नज़र आता है। यहाँ पर मूवमेंट एक ऑप्शन हो गया। स्केल है क्या, तो स्केल इसमें कहाँ पर भी हमें नहीं दिख रही। रिदम है क्या, तो रिदम भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों तो नेक्स्ट मतलब कि सेकंड जो मूवमेंट जो है ये ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरह मैंने मूवमेंट भी आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स निकाले गए हैं, तीन चार प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, रिदम है, मूवमेंट है, पैटर्न है और वैरायटी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ सूट होता है। तो रिदम जो है वो तो नहीं है, मूवमेंट भी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मूवमेंट पहले ही मैंने इसके पहले बताया कि मूवमेंट क्या होती है, तो मूवमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न है क्या, तो पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि पैटर्न यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। तो वेराइटी है, तो वेराइटी कौन सी है, तो शेप वेराइटी यहाँ पर नज़र आ रही। तो शेप वैरायटी में यहाँ पर देखेंगे आप सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो इस तरह ये शेप्स की वैरायटी, यहाँ अलग अलग शेप दिख रहे हैं, तो शेप वैरायटी में हम इसको बोलेंगे। तो ये ऑप्शन जो है नंबर फोर का वैरायटी, ये यहाँ पर सूट होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से रिदम आ गया है, फिर से स्केल है, मोमेंट है और यूनिटी है। तो रिदम मैंने पहले बताया, जब रिदम का
प्रॉब्लम आएगा तो मैं रिदम आपको समझाऊंगा। तो रिदम तो इसमें नहीं है, स्केल भी इसमें नज़र नहीं आ रही, मूवमेंट जो है मैंने बताया था मूवमेंट वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है यूनिटी, यूनिटी का मतलब मैंने इसके पहले भी आपको पहला ही जो प्रॉब्लम लिया था उसमें हमने यूनिटी देखा था। तो यहाँ ग्रुप से जो दिखता है उसको हम यूनिटी बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यूनिटी, मूवमेंट, वेराइटी ये आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट जो है ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं। तो कलर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कलर से रिलेटेड कुछ है क्या कि हमें यहाँ पर, तो यहाँ वेराइटी आ गया। तो वेराइटी एक तो क्वेश्चन, एक तो ऑप्शन हमें मिल गया कि यहाँ कलर वेराइटी है। अभी बचे हुए तीन इसमें कौन सी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मूवमेंट मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट अभी ये कलर में हमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर रेड का ग्रीन और ऑरेंज का ब्लू, तो ये हमें कॉन्ट्रास्ट में नज़र आता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, यूनिटी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट और वेराइटी, क्योंकि कलर में कलर वेराइटी हमें दिख रही है, अलग अलग कलर, तीन चार टाइप के कलर्स यहाँ दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो मेरे क्लासेस चलते हैं उसमें मैं 51 प्लस प्रिंसिपल्स बच्चों से करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो जो आ रहे वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, तो एक आदमी दिखाया गया है और एक पिलर दिखाया गया है। तो ये जो पिक्चर के अंदर दिख रहा है, जो प्रॉब्लम के अंदर दिख रहा है वो किस में आता है, तो ये वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पैटर्न, पैटर्न में भी ये नहीं है। बैलेंस, तो ये बैलेंस में हम बोल सकते हैं अगर इसको हम दो पार्ट में करते हैं तो ये असिमेट्रिकल बैलेंस में आ सकता है। तो यहाँ पर असिमेट्रिकल बैलेंस में ये हम यहाँ देखते हैं। और नेक्स्ट है स्केल एंड प्रोपोर्शन, तो स्केल एंड प्रोपोर्शन में क्या है, तो यहाँ पर आदमी की हाइट और पिलर की हाइट, तो ये स्केल एंड प्रोपोर्शन में हम इसको देख सकते। तो दो ऑप्शन हमें मिल गए, बैलेंस और स्केल एंड प्रोपोर्शन। तो स्केल एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, तो इसी तरह हमें छोटा बड़ा कोई चीज़ अगर दिखती है तो वो हमें यहाँ दिखानी है कि सपोज़ कि एक हाउस है तो उसके नीचे कोई आदमी खड़ा है, ये भी स्केल एंड प्रोपोर्शन में आएगा। या ट्री है वहाँ पर एक आदमी, ये भी स्केल प्रोपोर्शन में आएगा। या तो ऐसा भी आ सकता है कि बहुत बड़ा एक बर्ड निकाला है, बहुत बड़ा बर्ड निकाला है और उसके साथ एक आदमी खड़ा है, तो ये स्केल एंड प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पढ़ के दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर वन पे है एम्फेसिस, सेकंड है वैरायटी, फिर है कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है, तो यहाँ पर एम्फेसिस तो नहीं है। एम्फेसिस जब आएगा तब मैं एम्फेसिस क्या होता है ये समझाऊंगा। वैरायटी में तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए वैरायटी में भी ये नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ये कम्प्लीटली ब्लैक यहाँ पर और ये कम्प्लीटली यहाँ वाइट दिख रहा है, या तो ये ग्लास अगर देखेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में हमें नज़र आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट में आता है। इसके पहले भी मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाया, यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट, तो दोनों इसमें आपको देखने को मिलते, तो ये कॉन्ट्रास्ट में है। पैटर्न तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन जो चूज हो रहा है वो है कॉन्ट्रास्ट। तो दोस्तों इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ और आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों जितना आप
इसको कमेंट्स करेंगे उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा वीडियो डालने के लिए। तो दोस्तों लास्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पर बलून दिखाए गए हैं, ग्रीन कलर के सॉरी ब्लू कलर के बलून्स है और उसमें एक रेड कलर का बलून है। तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आता है, कौन से प्रिंसिपल में आता है? तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे यूनिटी। तो ये यूनिटी तो हमें दिख रही सब एक साथ है। नेक्स्ट है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस में आपको इस तरह के दिखेंगे कि सारे एक कलर में दिखेगा और एक अलग कलर से है, उसको एम्फेसिस बोलते हैं। तो एम्फेसिस क्या है? कोई भी चीज़, सपोज कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग यहाँ पर विंडोज़ है और ये विंडोज़ में सारे रेड कलर के विंडोज़ है और एक जो है वो ब्लू कलर की विंडो है, तो ये एम्फेसिस में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ हमें ऑप्शन मिल गया है एक और दो। नेक्स्ट पैटर्न बोलेंगे क्या? तो पैटर्न नहीं है। वैरायटी, तो वैरायटी भी यहाँ पर नहीं दिखती। तो यूनिटी और एम्फेसिस, तो ये दो ऑप्शंस हमें यहाँ मिल गए। तो इस तरह हमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स देखने हैं। मैं मेरे क्लासेस में लगभग 51 प्लस प्रिंसिपल्स लेता हूँ, बच्चों से करवा लेता हूँ, उनसे ये सारे सॉल्व करवा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये वीडियो रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।